से फिट करेंगे। देख सकते हो मुझे लाइट जल रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम इस सीपीयू को खोलेंगे। ये 2020 में मैंने बिल्ड करवाया था इसे techmartunbox.com से। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उनके, बट हाँ जिससे मैं कंफर्टेबल समझा और सेफ समझा उनसे बनवाया। और टचवुड 2 साल हो गए हैं इसके। 2020 में मैंने बिल्ड करवाया था अगस्त में लॉकडाउन के टाइम। और एक बार मैं चीटिंग मेरे साथ हो रखी थी उसमें, जो मैं अमेज़ॉन से मंगाया था ऑनलाइन, जो हम साइड में रख देंगे, तो वो बिल्कुल बंद पड़ गया था 2 दिन यूज़ होने के बाद। आप देख सकते हो डस्ट कितनी ज़्यादा है। तो ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो ये कितना हार्मफुल है आपके पीसी के लिए, आप समझ सकते। ये हो गया आपका फैन AMD का, ये है मदरबोर्ड, ये है आपका गीगाबाइट G4 GTX 1650 सुपर का ग्राफिक कार्ड, ये दोनों रैम है कॉर्सेयर का 8 GB का, मतलब टोटल 16 GB का रैम हो गया। ये फैंस लगे हैं। बाकी मैं इसे आपको कैसे क्लीन करना है मैं आपको दिखाऊंगा। कोई कपड़ा कुछ भी की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा आपको जो काम करना है, आपको अमेज़ॉन से ये खरीदना है जैक मिनिस्टर का ब्लोअर। ये ब्लोअर आप पीसी जहाँ बनवाने जाते हो, बनने देते हो रिपेयरिंग के लिए, उनके पास आप देखोगे छोटे या बड़े में इस तरह का कुछ ज़रूर होता है। ये होता है ब्लोअर दोस्तों। इसमें इतना पावर है कि आप देख सकते हो जो पीसी रहते हैं यहाँ, जो देख रहे हो पीसी जहाँ रखे जाते हैं यहाँ पे कितना डस्ट हो रखे हैं, पूरे डस्ट से क्या करूँ, कितना भी कर लो रोक नहीं पाता इसको। तो ऑलरेडी 6 महीने हो गए थे मैं पीसी को क्लीन नहीं करा था अंदर से, तो अभी इसे करते हैं क्लीन, ठीक है। और इसके पीछे इस साइड आपका, इसके पीछे अंदर है आपका का हार्ड डिस्क और SSD के पीछे लगे हुए, मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। और ये पीछे साइड में आपको मैंने दिखाता हूँ, ये जो लगा है आपका, ये हो गया आपका राउटर, वाईफाई राउटर, जो जैसे आप घर में वाईफाई लगाए होगे और आपके इसमें जब बिल्ड करवाते हो तो उसमें इनबिल्ट नहीं होता है, तो आप अलग से ले सकते हो TP-Link का, और अपने MBPS के अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने 300 MBPS का लिया था फास्टेस्ट। इसको खोलेंगे क्योंकि हार्ड डिस्क वाला एरिया भी खुल जाए। वो चीटिंग जब मेरे साथ हुई थी 2020 में ऑनलाइन मंगाने में, उसके बाद मैंने सर्च किया techmartunbox.com को, मैंने यूट्यूब में देखा था इनका वीडियोस, इनका खुद का ऑल इंडिया में इनका सेल्स है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैं जब सर्च करा तो बाय गॉड ग्रेस मुझे इधर ही घर के पास में उनका शॉप मिल गया, तो मैं वहाँ से जाके उनसे बनवा लिया हैंड टू हैंड। उन्होंने सीधा बोला था कि हमारे से कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा 24 घंटा आप इसे चलाओ। आप देख सकते हो ये हो गया आपका SSD 240 GB का, और यह हार्ड डिस्क लगा हुआ है इस जगह पे आपका। ये हो गया PSU पावर सप्लाई यूनिट 650, ठीक है। अभी से हम सफाई करते हैं दोस्तों। आप देखना मैं इसमें पावर डालती हूँ,
इसका पावर देखो, ये देखो इसमें दो चीज दिया, ये है सक्शन पावर जिससे डस्ट खींचेगा, ये डस्ट ब्लोअर जिससे डस्ट ब्लो आउट करेगा। तो हमें ब्लो यूज करना है, ये यहाँ पे फिट कर दिया हमने, ये देख सकते हैं। इसे हम ऊपर से हटा लेंगे पहले, ये ऊपर मैट लगा हुआ है इसके। अब आप देख सकते हो पहले के मुकाबले साफ हो चुका है। पहले आप देख रहे थे इसमें पूरा डस्ट जमा हुआ था। दोस्तों ये एक टूथब्रश, टूथब्रश से हमने डस्ट तो हटा दिया है, थोड़ा थोड़ा क्लीन हम ऐसे भी कर देंगे। ये देखो बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा आप दबाना मत इसे। ये आपका ग्राफिक कार्ड हो गया। ये भी ग्राफिकल वर्ड वर्क्स होते हैं, गेम्स होते हैं, हाई एंड के गेम्स को इसी की बदौलत होते हैं। आजकल मार्केट में ये जब मैं बनवा रहा था उस समय ये सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स जो मेरा है 1650 सुपर गीगाबाइट का एनवीडिया का, ये मुझे उस समय पड़ा था 14,000 का, 15,000 का। इसका रेट आज के डेट में मार्केट में जो है वो है 35,000। आप देख सकते हो दाम कितना ज़्यादा इसका बढ़ गया है, क्योंकि इसमें सिलिकन का कुछ यूज़ होता है जो कि अभी मार्केट में काफ़ी इसका स्कार्सिटी हो गया था, जिसकी वजह से मार्केट में प्रोवाइड ही नहीं हो पा रहा था वर्ल्ड वाइड, की वजह से इसके कॉस्ट काफी भाग रखे हैं।
मैंने इसे 52,000 में ओवरऑल एक बार ये मैंने इसे पूरा बिल्डअप करवाया था, बट आज के डेट में बिल्डअप करवाना इज मोर टफ। अभी YouTube में जितना काम है, अपलोडिंग पिक्चर्स का, सारे जो भी YouTube में एडिटिंग सारा इसी से हो रहा है, बहुत ज़रूरी है ओवरऑल पर्पस के लिए। इसे फिट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप पीसी को समझ गए होगे कैसे साफ़ करना है। ये गलती मैंने स्टार्टिंग में करी थी कि मैंने पीसी को कपड़ों से ऐसे करने की कोशिश करा था, बट वो करेक्ट तरीका नहीं है। आपका पीसी सीपीयू डैमेज हो सकता है इंटरनल पार्ट्स, तो आप बेटर हो कि आप ब्लोअर ले आओ, उससे करो, कोई मेहनत नहीं है, तुरंत साफ़ हो जाएगा। आपके सामने मैंने करके दिखाया कितना जल्दी, 6 साल, 1 साल, 2 साल का जो डस्ट है वो एक झटके में साफ़ हो जाता है। उसके बाद हल्का सा ब्रश मार दो उसके इंटरनल पार्ट्स में, मदरबोर्ड पे या फिर आपका ग्राफिक कार्ड्स में, और उसके बाद इसका परफॉर्मेंस करा के दिखाओ। मैं अब इसका परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आपको। ये चल गया है पीसी हमारा, इसमें RGB लाइट्स दिए हुए हैं, कलर चेंज भी हो जाता है। ये स्टार्ट हो गया, फर्स्ट क्लास स्पीड के साथ। हियर वी गो। देख सकते हो मुझे लाइट जल रहा है रेड ऑरेंज कलर का, वो है मदरबोर्ड का लाइट। अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा है, इट मीन्स आपका जो पावर बटन है ये वाला, ये दबा ही रह गया है और वो शॉर्ट सर्किट अंदर अंदर हो रहा है, या फिर मदरबोर्ड में कुछ इशू हो रहा है, तो आप फौरन बंद कर सको अपने पीसी को। इस वजह से वो लाइट इंडिकेटर दे रखा है, और जब भी कोई फॉल्ट होता है मदरबोर्ड में, वो एक बहुत मध्यम सा सायरन सुनाई देता है हमें। तो ये सब कुछ साइंस है। और इस GigaByte के इस मदरबोर्ड में तो आपको लाइट भी दे रखा है, जाके आप समझ पाओ। ये ग्राफिक कार्ड का भी फैन चल रहा है, अभी देख लेते हैं। अभी दादा आपको ये दिखा देता हूँ कि हाँ सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, कितना फास्ट हो गया। बस परफेक्ट दे रहा है दोस्तों, GHz का स्पीड इसमें होता है 3.6 7।